हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, ठीक है? ये मुझे पता है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से नहीं समझ आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब से पढ़ा है। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों के लिए। देखो, स्पीच पार्ट्स मतलब हिस्से, ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब कोई भी सेंटेंस, जैसे आप कोई भी बात कह रहे हो तो वो हमारा पार्ट से बना होता है। पार्ट्स कितने? एट। देर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच, आपने पढ़ा भी है ये। तो कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, वो आठ पार्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है? तो उसमें से हम जैसे पढ़ चुके हैं, नाउन होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, हमारा नाउन होता है। सेकेंड पार्ट हमारा प्रोनाउन होता है। थर्ड पार्ट हमारा एडजेक्टिव होता है। थोड़ी सी राइटिंग ऐसी आई क्योंकि फर्स्ट टाइम, काफी टाइम हो गया है इसके लिखे हुए। तो थर्ड पार्ट एडजेक्टिव होता है। फोर्थ पार्ट हमारा वर्ब होता है। फिफ्थ पार्ट हमारा एडवर्ब होता है। सिक्स पार्ट हमारा कंजंक्शन होता है। एंड सेवंथ पार्ट इज इंटरजेक्शन। एंड लास्ट एंड एट्थ पार्ट इज प्रेपोजिशन। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिटेल से तो पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, क्या इनकी डेफिनेशंस होती हैं, क्या कितने इनके पार्ट्स होते हैं। तो आज हम, हमारा मेन टॉपिक क्या है कि हम ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे। ट्रांसलेट कैसे करते हैं सेंटेंसेज को, लाइक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। क्योंकि तो हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, उस ट्रांसलेशन में हमारे ये लगभग सारे पार्ट्स, यानी एट के एट पार्ट्स हमारे उसमें काम आएंगे। तो धीरे धीरे मैं अब एक्सप्लेन भी करती रहूंगी आप लोगों को, जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, कौन सा वर्ड कहाँ एडजेक्टिव आ गया। और जब हमारा कॉलेज रीओपन होगा तो उस टाइम पे हम आठ के आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा से भी रिवाइज कर लेंगे, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम ट्रांसलेशन के बारे में सीख लेते हैं। आज हम ट्रांसलेशन के बारे में सीखेंगे, ट्रांसलेशन कैसे करते होते हैं हम इंग्लिश से, हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं, जो कि आप लोगों की मेन प्रॉब्लम होती है। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हम आज ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो देखो, मैं दो सेंटेंस लिख रही हूं आप लोगों के सामने। फर्स्ट सेंटेंस है, यह पेन है। और दूसरा सेंटेंस मैं लिख रही हूं, राम स्कूल जाता है। अच्छा, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है? अब देखो, इन दोनों सेंटेंसेस में है, इसमें आपकी कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है। मान लो कोई भी काम होता है, जैसे ये है पेन है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं, कोई काम नहीं होता। एक्शन वर्ब का मतलब होता है फिजिकल कोई काम हो, जिसे आप बॉडी पार्ट से करते, हाथ से, पैर से। एक्शन वर्ब्स होती है हमारे, जैसे धोना, खाना, पीना, सोना, नहाना, ये होती है एक्शन वर्ब्स। इसमें हमारी एक्शन वर्ब क्या है? जाना। जैसे कि हम, मैं राम स्कूल जाता है तो पैदल चल के जाएगा, पैरों से जाएगा, या फिर किसी भी व्हीकल वगैरह से जाएगा, तो उसमें फिजिकल एक्शन होता है हमारा। तो जिस सेंटेंस के अंदर कोई फिजिकल यानी एक्शन वर्ब होती है, वो हम टेंस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। और जिस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं होती है, उसको हम, उसके लिए एक स्पेशल रूल होता है। जैसे है की इंग्लिश
आप लोगों को पता ही है हर सेंटेंस में, चाहे मान लो ये भी सेंटेंस है, आप अपने रूल के अकॉर्डिंग लगा देते हो भाई हैक इंग्लिश इज, हैक इंग्लिश आर, हुंट इंग्लिश एम, लेकिन वो कहाँ होती है, जहां एक्शन वर्ब ना हो सेंटेंस में, वहां हैक इंग्लिश इज होती है। हैक इंग्लिश यानी प्लूरल में जो फॉर्म होती है वह आर होती है और हुंट इंग्लिश एम होती है। तो यहाँ हम पहले ये सेंटेंसेस सीखेंगे कि जिन सेंटेंसेस के अंदर एक्शन वर्ब ना हो वो हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और जब आप एक्शन वर्ब वाले सेंटेंसेस भी सीख जाएंगे तो बीच बीच में जैसे आप किसी भी चैप्टर की या फिर एक स्टोरी लिखी, आपकी हिंदी में स्टोरी लिखी है, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो, तो किसी सेंटेंस में तो एक्शन वर्ब आ जाती है, किसी में नहीं आती, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे। अब मैंने सिखा दिया कि टेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होती है, तो आप तो सब में ट्रांसलेशन में टेंसेस का रूल अप्लाई करोगे, जबकि जिसमें एक्शन वर्ब ना हो वहां होती नहीं है। तो पहले हम बिना एक्शन वर्ब के यानी स्टेटिव वर्ब्स जिनको हम बोलते हैं वो वाले सेंटेंसेस कर लेते हैं। तो जैसे इन सेंटेंसेस में हमारे एक्शन वर्ब नहीं है, तो यहाँ है कि इंग्लिश जो होती है उसकी इंग्लिश हमारी होती है इज सिंगुलर, यानी इज किसके साथ लगाएंगे, ही, जिसको हम थर्ड पर्सन भी बोल सकते हैं इट, इनके साथ हम लगाएंगे, या फिर कोई भी नाउन होते हैं सिंगुलर नाउन। अब देखो यहाँ पे नाउन का जिक्र आ गया, नाउन, अब जैसे आप लोगों ने पढ़ा था नाउन में क्या होता है, कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम, सिंगुलर नाउन, जैसे अब हमने बोल दिया बॉय, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है, नाउन है, और बॉयज क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन, और बॉयज क्या हो गया, प्लूरल नाउन। उसी तरीके से गर्ल, गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन, और गर्ल्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो जहां सिंगुलर नाउन आ जाए या फिर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किसके होते हैं, प्रोनाउन के, आप लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा होगा, उसमें फर्स्ट पार्ट होता है पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन के तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन आ जाए प्रोनाउन का और सिंगुलर नाउन आ जाए और है आ जाए तो वहां पे हम इंग्लिश लगाते हैं इज, ठीक है। और अगर आपका है आ गया, है का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, तो वहां हम इंग्लिश लगाएंगे आर, यानी ये लगेगा आपका सेकेंड पर्सन के साथ यू, यू, या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो जैसे यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ। ये सब आपको अपनी नोटबुक में नोट भी करते जाना है साथ के साथ, ठीक है। और हुम की इंग्लिश होती है एम, ठीक है, ये आपका आपको पता ही है, सिर्फ फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ ही लगता है। चलो ये तो हो गया प्रेजेंट की बात हमारी कि है आ जाए या हुम आ जाए तो कैसे इंग्लिश लगानी है। अगर पास्ट में आ जाए यानी था या फिर थी आ जाए तो उसकी इंग्लिश आपको लगानी है वॉज, और सेम वही बात ही शी इट एंड आई ऑल्सो सिंगुलर नाउन वॉज, सिंगुलर नाउन, ओके। नेक्स्ट थे की इंग्लिश होती है वर, वेयर, कई बच्चे बोलते हैं इसको वेयर, ये वेयर नहीं होता वर होता है, ठीक है, थे की होगी। तो इसकी ये कहाँ लगाते हैं हम, यू वी दे इनके साथ, या फिर आपकी प्लूरल नाउन आ जाए, okay। अच्छा एक होता है पास है, पास है, जैसे मैंने लिख दिया मेरे पास पेन है, तुम्हारे पास बुक है, तो जो पास है उसकी इंग्लिश क्या होती है, देखो पास है, पास है की इंग्लिश होती है हैज, हैज कहां लगता है, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउंस, नाउन के साथ, पास है बहुत ज्यादा के लिए, तो इसके लिए लगता है आपका है, या आपका लगता है आई वी दे यू एंड प्लूरल
नाउंस के साथ, नाउंस के साथ, ठीक है। एक बचा है हमारा, ये सब नोट कर लेना अपने नोटबुक में, एक बचा है हमारा, ये लिख देते हैं पास्ट था। पास्ट था की इंग्लिश होती है हैड। अब क्योंकि ये पास्ट में एक ही है वर्ब होती है हैड, तो था के पास था भी हैड, पास थे भी हैड, और पास था, पास थे, पास थी, इन सब की इंग्लिश हैड होती है। और हैड सिंगुलर है, इसमें वर्ब यूज की जाती है, तो ही शी सिंगुलर और प्लूरल का कोई इसमें मैटर ही नहीं है। सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, ही शी इट प्रोनाउन हो, आई वी दे वो सब के साथ हैड लगता है। पास था, पास थे और पास थी की इंग्लिश समझ आ गया। अब ये सब आपको लर्न करने हैं कि है की इंग्लिश क्या होती है, हैं की इंग्लिश क्या होती है, हूं की इंग्लिश क्या होती है। स्टेप वाइज हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको ये चीजें आती हो, ये सोचेंगे ये क्या नॉर्मल सी चीजें कराने लगे मैडम, लेकिन ये बेस होता है। अगर आप एक बार इन चीजों को अच्छे से समझ लोगे ना, तो आगे बढ़ सकते हो। ये बेस और ये बहुत जरूरी है, जिसको आता है उनके लिए भी बहुत जरूरी है, एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, जिसको नहीं आता है वो भी अच्छे से रिवाइज कर लेना। स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आप ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से सीख जाओगे। तो अब हमें इनकी इंग्लिश याद होगी। अब हमारा ट्रांसलेशन का जो पैटर्न है वो है, हिंदी से इंग्लिश में कोई सेंटेंस ट्रांसलेट आपको करना है तो हम क्या लगाते हैं, क्या रूल होता है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न होता है। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब एंड ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी देने जाते हैं तो वहां आप ऑप्शन में भी कई बार देख लेते हो एस वी ओ, या फिर सेकेंड ऑप्शन होता है आपका एस वी सी, या फिर थर्ड ऑप्शन होता है आपका एस वी एस सी, फोर्थ ऑप्शन होता है आपका एस वी ओ सी। ये क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, बी स्टैंड्स फॉर वर्ब, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट आई विल टेल यू अबाउट कॉम्प्लीमेंट इन दिस वीडियो। नाउ सब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, योर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला पैटर्न था, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जितने भी हमारे पास स्पीच बचे होते हैं कॉम्प्लीमेंट वगैरह, वो हम इसके बाद लगाते होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देखो स्टूडेंट्स ये तो हमारा इजी सा सेंटेंस है, यह पेन है। अच्छा सबसे पहले मैं बता दूं यह क्या है, पेन क्या है और है क्या है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े है ना, तो उसी में से बताएंगे हम। यह क्या है, एक तो है ये सब्जेक्ट, कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पता करने के लिए आप क्वेश्चन पुट करना, कौन यानी हिंदी में कौन बोलते हैं और इंग्लिश में इसको हु बोलते हैं, हु और किसने, किसने की इंग्लिश भी हु ही होती है, ठीक है, हु ही होती है। तो ये तो छोटा सा सेंटेंस यह पेन है, आप इजीली बता सकते हो मैडम जी ये है जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा लेंथ वाले होते हैं और उसमें सब्जेक्ट बीच में छिपा होता है जिसे आपको पता नहीं चलता, तो इसलिए हैबिट बनाइए सब्जेक्ट को ढूंढने की, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाते सिंपल सेंटेंसेस में। तो हैबिट बनाइए कौन या किसने का क्वेश्चन करके, ठीक है। अब मैंने बोला यह पेन है, कौन है यह, कौन है यह, तो यह हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा सेकंड हमारी क्या होती है, वर्ब। वर्ब आपको हमेशा लास्ट में मिलेगी, चाहे वो एक्शन वर्ब हो या स्टेटिव वर्ब हो। एक्शन वर्ब को आप डायनेमिक वर्ब्स भी बोल सकते हो, चाहे वो डायनेमिक वर्ब हो चाहे स्टेटिव वर्ब हो, वो आपको लास्ट में मिलती होती है, वर्ब हमेशा लास्ट में मिलती है सेंटेंस की। तो ये हमारी वर्ब है, ठीक है। अब हमें क्या बोलना है, ऑब्जेक्ट। अच्छा जी ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, क्या
या किसको का क्वेश्चन करके, किसको, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट और किसको की इंग्लिश होती है हुम। इन दो क्वेश्चन से या तो क्या से पता चल जाएगा, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो क्या से पता चल जाएगा, क्या से पता नहीं चलेगा तो किसको से पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार एक सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब वो दोनों क्वेश्चन पुट करने से हमें ऑब्जेक्ट का पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हमारा बचा क्या है, यह है तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, है हो गया हमारा वर्ब, तो पेन बचा है हमारा। अच्छा पेन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे हम इसको, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। वैसे तो क्या के क्वेश्चन से पता चल रहा है यह है पेन है, तो क्या है पेन पता चल रहा है, लेकिन ये पेन किसके बारे में बता रहा है, यह है के बारे में बता रहा है, तो ये क्या है कॉम्प्लीमेंट है। तो अब हम मैं आपको कॉम्प्लीमेंट में ऑब्जेक्ट में डिफरेंस करना सिखाऊंगी कि कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मेनली ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है वो नाउन और प्रोनाउन, ये दो वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट बनाते होते हैं। नाउन या तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नाउन होएगा या प्रोनाउन होएगा। अगर कोई वर्ब है या फिर एडवर्ब है या फिर कुछ कोई और वर्ड नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के कोई भी एडजेक्टिव है तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया भी कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे नाउन या फिर प्रोनाउन में से होता है, तो पेन क्या है, पेन तो नाउन ही है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो वर्ड होता है ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग होता है, कि सब्जेक्ट कुछ और चीज है और ऑब्जेक्ट कुछ और चीज है। अब यह पेन है तो यह के लिए यह वर्ड जो वर्ड है यह के लिए पेन वर्ड यूज हुआ है, अभी यह पेन है, पेन की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये दोनों वर्ड एक दूसरे से रिलेशन में है, तो इसलिए हम इसको ऑब्जेक्ट ना कह के कॉम्प्लीमेंट बोले, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश बनाएंगे, तो यह कि अब इंग्लिश हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें, तो वही बात जब ऑब्जेक्ट स्किप ही हो गया तो हम कॉम्प्लीमेंट की इंग्लिश लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यह है, यह की इंग्लिश हुई दिस। फिर हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब कहाँ है, पीछे है की इंग्लिश क्या होती है, इज, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है वो तो बार हो जाता है, दिस इज अ पेन। और ये ध्यान रखना जब इंग्लिश ये लिखी हो दिस इज अ पेन तो इसकी हिंदी कभी भी ये नहीं होती है यह एक पेन है, यह एक पेन है नहीं होती है, इसकी हिंदी होती है यह पेन है। समझ आ गया, तो ये ट्रांसलेशन आपको समझ आई, कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया है। अब एक दो सेंटेंस और कर लेते हैं हम इसी टाइप का, जैसे लिखते हैं राम खुश है, राम खुश है। अच्छा तो राम क्या हो गया, हमें यही पैटर्न फॉलो करना है इंग्लिश बनाने में, तो हमेशा ध्यान रखना है ये पैटर्न हमें नहीं छोड़ना है, चाहे कितना ही इजी सेंटेंस हो चाहे कितना ही मुश्किल सेंटेंस हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट सर्च करो कैसे करते हैं, कौन या किसने का क्वेश्चन करके, कौन है राम, कौन है राम, तो राम की इंग्लिश कौन है, कुछ नहीं कुछ तो क्या का जवाब होता है, कौन है राम, तो पहले हम लिखेंगे राम। ओके नेक्स्ट वर्ब, एंड यू नो दैट वर्ब इज फाउंड इन द लास्ट, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, तो दिस इज वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट इज, एंड नाउ खुश हैप्पी। अब बताओ ये हैप्पी वर्ड क्या है भाई, हैप्पी वर्ड ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट या तो नाउन होएगा या प्रोनाउन होएगा, तो नाउन नाम होता है किसी भी चीज का, नाम होता है नाउन, तो हैप्पी खुश, खुश किसी चीज का नाम है क्या,
नहीं है तो, और प्रोनाउन भी नहीं है, ये प्रोनाउन वर्ड भी नहीं है, तो ना तो नाउन है ना प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट तो हो ही नहीं सकता फिर। तो क्या ये है क्या वैसे? एडजेक्टिव वर्ड है, खुश। खुश किसी चीज के आगे लगाते, खुश खुश आदमी, खुश पर्सन, कोई भी चीज खुश किसी की चीज के आगे लगाते, तो ये क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हुआ तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। और वैसे अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग देखें तो राम क्या है? नाउन। क्या है ये? नाउन। सब्जेक्ट तो है ही और साथ में नाउन है। सब्जेक्ट में भी या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्ट में भी हमेशा या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो राम क्या है? नाउन है। इज हमारी वर्ब हो गई, हैप्पी हमारा एडजेक्टिव हो गया और कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है, समझ आ गया। अब आपको कुछ और से एक दो सेंटेंस करके बस आगे देखो। राहुल, जैसे लिख देते हम राहुल लड़का है, राहुल लड़का है, तो राहुल क्या है? तो वही पैटर्न फॉलो करना है हम इंग्लिश बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? कौन है? राहुल। और वैसे भी राहुल नाउन हो गया तो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ सकता है, तो राहुल। फिर लगाएंगे वर्ब, वर्ब होती है हमारी लास्ट में, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब क्या है? इज। यहाँ पे अगर था होता, थे हो, तो वैसे राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, था होता तो वोज लगा देते हम, ठीक है। राहुल इज, अब लड़का तो अ बॉय, राहुल इज अ बॉय। अब ये जो बॉय वर्ड है ये राहुल के बारे में ही बता रहा है, राहुल बॉय है, बॉय राहुल है, तो सेम ही वर्ड है, तो इसलिए ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ये, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो राहुल ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन जिसको बोलते हैं, नाउन हो गया भाई, ये वर्ब हो गई, ये डिटरमाइनर होता है आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं, ये हम आगे नेक्स्ट पोर्शन में करेंगे। और बॉय भी हमारा नाउन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सीख लिए हमने और ट्रांसलेशन भी आगे दे दिए, ठीक है। तो इस तरह के आप सेंटेंसेस बना के देखना, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा पार्ट्स है उठा के इंग्लिश बनाएंगे। ओके ओके, बाय गाइस।